नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24 सावन लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के अंतर्गत मेजा दिगलोक ग्राम प्रधान की मनमानी देखी जा रही। वहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था, और ना तो कोई योजना का लाभ ग्राम पंचायत की गरीब जनता को मिल रहा है। और वहां पर कुछ लोग बताते हैं कि ग्राम प्रधान से अगर कोई शिकायत करे तो किसी कार्य को लेकर वह बोलते हैं कि अभी सरकार से हमें कोई पैसा नहीं दे रही है। वहां के लोग इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और रहने के लिए छप्पर बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जहां केंद्र और प्रदेश की जनता बड़े बड़े दावे करती है कि प्रदेश का कोई गरीब बिना आवास के नहीं रहेगा और यहां पर विकास का कोई नामो निशान नहीं है। अगर ईमानदारी पूर्वक शौचालय आवास की जांच की जाए तो 90% अधिकारी प्रधान सेक्रेटरी सभासद सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से राहुल यादव की रिपोर्ट। इंडिया 24x7 लाइव टीवी, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल यादव। आज मैं मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिगलो ग्राम सभा में हैं और यहाँ के लोगों की समस्या जो है उस समस्या का हम समाधान करेंगे और साथ में बताएंगे कि लोगों को क्या क्या समस्या है प्रधान के खिलाफ। और यहाँ पे समस्याएं अगर हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, किसानों को क्या क्या दे दिए हैं, किसान बिल वापस कर दिए हैं, किसानों को कोई समस्या नहीं हो रही, तमाम तरीके की बातें बताते हैं, लेकिन आज उसी की हम पड़ताल करने चले हैं किसानों के साथ में कि किसान अपनी समस्या को किस तरीके से बयां करते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए मर सकते हैं, हमारे किसान अन्नदाता हैं, और उसी किसान को पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया जाता है, तो हम आज किसानों के साथ पड़ताल करेंगे उसी बात को लेकर, उसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातें करेंगे, सचिव हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय। मैं वंशराज यादव, विधानसभा सचिव कुराव प्रयागराज जी। तो आप यहाँ की जनता की समस्या का समाधान कैसे करवा सकते हैं अपने पार्टी की तरफ? देखिए, पहले तो अभी चुनाव 2022 का आने वाला है, 2-4 महीने में हो जाएगा, फरवरी मार्च में हो जाएगा। और हमारी सरकार यदि बनेगी तो जो पूर्व में योजनाएं थी उसको भी चालू हो जाएगा, और जो और नया नया लैपटॉप है और कन्या विद्याधन है, किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था समाजवादी पेंशन मिलती थी महिलाओं को। अब हमारी सरकार जो है बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो महिलाओं को ज़्यादा मतलब समाजवादी पेंशन हो सकता है कि ऐसा ऐलान अभी आया नहीं, मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन वो 2000 रुपये देगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों को ऐसी ऐसी योजना दे रही है, ऐसा ऐसा लालच दे रही है, किसान बिल वापस कर ली, किसानों को जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा भी दे रही है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं अपनी जनता को? ये जो है भाजपा जो है झूठा सब लालीपाप है, उनके बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। अच्छा, उनके बहकावे में कतई नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी को वोट देगी। अच्छा। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। तो यहाँ का समस्या जो